विरोधी दल का काम है महोदय कि सरकार के कमी को, खामी को, भ्रष्टाचार को उजागर करना। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि पहली कैबिनेट में को नौकरी देने का वादा करने वाला आप बहुत सजग सदस्य। मुख्यमंत्री जी, आपके भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पर पूरा बिहार और देश दीवाना था। आज भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों? आप क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे? आप ही तो थे आधे दर्जन मंत्री से। महोदय आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आसन का सम्मान करता हूँ। नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आसन संरक्षक है। आप महोदय, आसन से नेता विरोधी दल को बोलने का परंपरा भी रहा है। महोदय, कल के तिथि में जो असंसदीय भाषा का बात कहा गया तो वो शब्द कहीं से नहीं था। सुनने में या सत्ता के ट्रेजरी बेंच के दबाव में आसन से उस तरह की बात नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप सभी का संरक्षक है महोदय, क्योंकि जनता देख रही है। आज बच्चे भी हैं और पूरा बिहार में हम लोग विश्वास जीत कर आते हैं। तो ईमानदारी से विरोधी दल का काम है महोदय कि सरकार के कमी को, खामी को, भ्रष्टाचार को उजागर करना, ताकि सरकार उसको संज्ञान में ले। आप स्थान ग्रहण कीजिए महोदय। महबूब साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं नेता विरोधी दल को मैं पुकार दिया हूँ, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि पहली कैबिनेट में को नौकरी देने का वादा करने वाला आप बहुत सजग सदस्य हैं। राज के युवाओं को पुलिस से पिटवा रहे हैं, कार्यरत शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने एवं समान वेतन, समान भत्ता, सुविधाओं का वादा करने वाले आज मौन क्यों हैं? महोदय, संविदा कर्मी, लाखों नौजवान, किसान सलाहकार आज पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। महोदय से कार्यरत हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हें अस्थाई करते हुए जनसेवक का पद दर्जा दिया जाए। बीत रहे शिक्षकों का अनुदान की राशि महीनों से बकाया क्यों है महोदय? अनुदान की राशि में कटौती क्यों की जा रही है? और महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पर पूरा बिहार और देश दीवाना था। आज भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों? आप क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे? आप ही तो थे आधे दर्जन मंत्री से। राणा रणधीर सिंह जी, माननीय सदस्य,